तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अहूजा का HDA7002 एम्पलीफायर के बारे में, जो कि यहाँ पर हाल ही में अभी नई एम्पलीफायर आई है। फिलहाल आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी दमदार एम्पलीफायर है, इसमें इसका प्राइस क्या होने वाला है, प्राइस रेंज भी आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और भाई आपको हम एक चीज़ ये बता दें कि भाई ये जो एम्पलीफायर है, ये यहाँ पर MT1601 को टक्कर देने वाली है। जिसका डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर भी 1000 है और MT की बात करें तो उसका भी 1000 है। बट यहाँ पर बात करें, ये प्रोडक्ट ही तो मेड इन इंडिया है। फिलहाल चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पर ओम्स के, यहाँ पर कितना वाट हमको प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहाँ पर 8 ओम की बात करें तो यहाँ पर 1350 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है। 4 ओम की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 वाट देखने को मिलता है। दोस्तों 2 ओम की बात करें तो ये 2 ओम स्टेबल नहीं है, बट आपको मैं चीज़ बता दें, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि भैया 2 ओम होना चाहिए तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि भाई अहूजा है तो मुमकिन हो सकता है यहाँ पर 2 ओम हो सकता है, बट कंपनी ने इसके मेंशन नहीं किया है। अहूजा है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो हो सकता है भाई, मैं 90% ये खुद कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अहूजा के प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार है, जो कि बहुत भाई यूज़ करते हैं और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। दोस्तों काफ़ी लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। और एक चीज़ आपको हम ये बता दें कि इस पर कितना हम लोड डाल सकते हैं, कितना हम यहाँ पर चला सकते हैं, कितने बेस चला सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे। दोस्तों बात करें इसकी डैम्पिंग फैक्टर की तो 1000 जाहिर सी बात देखने को मिलता है। अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग अहूजा का जो 1300 आता है, सॉरी 2600 वाट का आता है जो हमारा, उसको हम SWX2600 उसको हम आराम से रनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये उसके लिए ही बनाया ही गया है, बट आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और हम प्राइस की बात करें तो चलिए हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों प्राइस अगर हम बात करें तो ये आपको अप्रॉक्स 52 से 53 हज़ार के बीच आपको देखने को मिल जाएगा ये एम्पलीफायर। फिलहाल आप एम्पलीफायर का लुक देख सकते हो, काफ़ी शानदार एम्पलीफायर का लुक होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप चलाने की तो टॉप भी आप चला सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा जो डीजे सर्जन होता है, जो डीजे सर्जन का कैबिनेट जो 315 होता है, 315 जो एक बेस मॉडल में बनता है करो बेस के मॉडल में, यहाँ पर उस तरह के जो बेस हैं वो एक स्पीकर जो 800 वाट के होते हैं वो हम 3 स्पीकर चला सकते हैं 800 वाट के। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर टॉप की बात करें तो भाई अगर आपको काफ़ी तगड़ा टॉप चाहिए तो भाई आप 600 वाट के आप चार टॉप चला सकते हो, यानी दोनों चैनल पर एक पर 600 वाट के काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पर इसके पावर की तो भाई पावर काफ़ी एम्पलीफायर किया ये यहाँ पर MT को टक्कर दे सकता है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो हाँ भाई, अगर कुछ लोगों को भरोसा होता है अहूजा के ऊपर तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि अहूजा जिनको भरोसा है भाई तो MT को भी ये टक्कर देता है एम्पलीफायर। ठीक है, कैसी वीडियो लगे कमेंट जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।